साथियों को नमस्कार। आरपीएससी स्कूल लेक्चर की तैयारी करने वाले सभी भावी व्याख्याता, आरपीएससी पैटर्न पर हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी पहले से टॉपिक वाइज चली आ रही है। बच्चों की बेहद मांग पर हमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी 31 जुलाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, स्कूल व्याख्याता भूगोल में ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, हालांकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी पहले से चली आ रही है, लेकिन ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है मेगा टेस्ट सीरीज के रूप में, ये हम 31 जुलाई से शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी रूपरेखा, जिसके कार्यक्रम इस प्रकार हैं। हमारे 80 से लेकर 100 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होंगे, जिसमें लगभग काफ़ी टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन जो टेस्ट रहेंगे वो वापस यूनिट वाइज होंगे, जिसमें 8 जो बड़ी यूनिट है हमारे सिलेबस में, आरपीएससी स्कूल लेक्चर में जो बड़ी यूनिट 8 यूनिट है, उन 8 यूनिट का यूनिट वाइज टेस्ट होगा। और उसके बाद एक जो टेस्ट होगा पीजी लेवल पर, एक टेस्ट यूनिट वाइज, इसमें लिखा नहीं है, एक टेस्ट जो होगा यूनिट वाइज पीजी लेवल का होगा। 8 टेस्ट तो जो 8 टॉपिक है वो होगा, एक जो टेस्ट होगा वो यूनिट वाइज पीजी लेवल का होगा। इस तरह से ये टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन 9 टेस्ट होंगे यूनिट वाइज। और जो 3 से 5 टेस्ट हैं वो फुली सिलेबस टेस्ट सीरीज होगी, ऑफलाइन भी होगी और ऑनलाइन भी होगी। इसमें हम साइको के जो क्वेश्चन है, साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है, वो भी उस पर भी डिस्कशन करेंगे, जिसमें यह है कि देखिए साइको में आपके 6 यूनिट है, टोटल 6 यूनिट है। तो जो पहली यूनिट है, यहाँ हम जैसे ज्योमोर्फोलॉजी का जो टेस्ट लेंगे उसमें ज्योमोर्फोलॉजी के जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, और उसी के साथ में 20 क्वेश्चन हम पहली यूनिट साइको के अपडेट करेंगे। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन होंगे ज्योमोर्फोलॉजी की पहली यूनिट में। फिर क्लाइमेटोलॉजी में 100 क्वेश्चन होंगे और 20 साइकोलॉजी के होंगे। इस तरह से 6 यूनिट तक, जो यहाँ दी हुई 8 यूनिट, 6 यूनिट तक हम साइको के भी क्वेश्चन उसमें अपडेट करते हुए चलेंगे, ताकि साथ साथ में हमारा उद्देश्य है कि साथ साथ में आपकी साइकोलॉजी भी कंप्लीट हो जाए, आपने जो विस्तृत अध्ययन पूर्व में कर रखा है उसका मूल्यांकन हो जाए। टेस्ट का मतलब यही होता है कि स्वयं का मूल्यांकन करना और दूसरे जो प्रतिस्पर्धी हैं, आपके जो छात्र हैं, उनके साथ मूल्यांकन करना है। हमारा जो जो रिजल्ट आपके पास जो आएगा वो राजस्थान में जितने भी बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं उनके साथ एग्रीगेट आएगा। जितने भी बच्चों ने जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपकी रैंक पता होगी कि राजस्थान में मेरी रैंक क्या आ रही है और पर्टिकुलर मेरी स्थिति क्या है, मैंने कितने नेगेटिव किए हैं, कितने सही किए हैं और कैलकुलेशन करने के बाद मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये सब कुछ दोस्तों आपको आपके जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे तुरंत आपके मोबाइल पर सूचना अपडेट होकर के आपको मिलेगी। तो इसमें देखिए हम साइको को भी साथ लेके चल रहे हैं। हालांकि देखिए ये मैं पहले बता देता हूँ, हम केवल ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करेंगे, साइको के क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करेंगे। साइको के केवल हम आपको आंसर की उपलब्ध करवाएंगे, केवल आंसर की। हाँ, ज्योग्राफी के कंप्लीट जो प्रश्न होंगे उनके ABCD पर अपन डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वही बात है कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन 80 से लेके 100 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो अभी चली रही है, और अभी जो हम ऑफलाइन जो विशेष तौर से काम करने जा रहे हैं वो 8 यूनिट टेस्ट होंगे, मतलब एक उसका पीजी नॉन यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, और 3 से 5 फुली सिलेबस टेस्ट सीरीज आधारित होंगे। और ये नियमित प्रक्रिया है, टेस्ट PDF डाउनलोड करने की सुविधा है, विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्रों का इसमें समावेश है, RPC का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, नवीनतम जो पाठ्यक्रम है उसको मद्देनजर रखते हुए हम प्रश्न पत्र निर्मित कर रहे हैं। टेस्ट में आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, साथ ही आपकी रैंक क्या रहेगी,
ये सब कुछ जानकारियां देखने को आपको मोबाइल पर मिलेगी। साथ ही विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार टेस्ट सीरीज किसी भी डिवाइस में दे सकता है, किसी भी डिवाइस में आप आपकी ये जो टेस्ट है वो दे सकते हैं और इसकी प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंटआउट की व्यवस्था रहेगी, जितने भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन जो टेस्ट करा रहे हैं उन सब की आप पीडीएफ की प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, ये सुविधा हमारे यहाँ रहेगी। दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों के लिए कर रहे हैं। फीस देखिए हमारी 3000 रुपये थी और अभी हम अब अंतिम चरणों में चल रहे हैं, बच्चों को राजस्थान के बच्चों को मैक्सिमम लाभ हो। अब हमने जो फीस की है इसकी टेस्ट की कंप्लीट टेस्ट सीरीज की 1100 रुपये मात्र की है, ये 1100 रुपये मात्र की है। लिमिटेड ऑफर है, सीमित समय के लिए ऑफर है, सीमित सीट है, जिसमें विशेष तौर से ऑफलाइन में सीमित लिमिटेड सीट है, उसके एक निर्धारित सीट के बाद में एडमिशन नहीं होगा ऑफलाइन। ऑनलाइन तो ठीक है, ऑनलाइन तो आप कितने भी छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हमारी जो व्यवस्था है वो दोस्तों एक तरह से अपन कहें कि हमारी जो भौतिक जो संसाधन है वो इतने ही हैं कि एक लिमिटेड सीट में ही हम प्रवेश दे सकते हैं, सबको हम प्रवेश नहीं दे पाएंगे ऑफलाइन में। ऑनलाइन तो चाहे कितने भी छात्र प्रवेश ले सकते हैं, फीस सेम है चाहे ऑनलाइन लेवे चाहे ऑफलाइन लेवे। जो पूर्व हमारे विद्यार्थी जिन्होंने परचेज कर चुका है उनको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उन विद्यार्थियों को फीस दोबारा डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है। फीस हमारे एक ही बार जमा होती है। जो भी हमने पूर्व में जो टेस्ट करवा दिए हैं, इससे पहले जो भी टेस्ट करा दिए हैं, आज कोई लड़का परचेज करता है तो वो टेस्ट भी उसको मिलेंगे और वो टेस्ट आप दे सकते हो। 3 बार देने की व्यवस्था है, प्रिंटआउट भी निकाल सकते हो। जो पूर्व में हम दो ढाई महीने से जो काम कर रहे हैं टेस्ट, वो सभी टेस्ट दोस्तों आपको मात्र 1100 रुपये में उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इस फीस में आपको ये उपलब्ध रहेंगे। सभी प्रकार की जो डिवाइस है उसमें देखने की दोस्तों व्यवस्थाएं रहेगी। देखिए हमने टॉपिक वाइज जो टेस्ट लिए हैं, जो मॉर्फोलॉजी के जो भी टॉपिक है इन पर हमने टेस्ट ले चुके हैं, थोट है इस पर हो काम हो चुका है, कार्टोग्राफी में किसके कितने कितने टेस्ट हुए वो हो चुके हैं, ओशनोग्राफी में हो गए हैं, लगभग हम टॉपिक वाइज समाप्ति की तरफ दोस्तों अग्रेसित हो रहे हैं, समाप्ति की तरफ हम अग्रेसित हो रहे हैं। अब देखिए जो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन जो प्लान जो है वो है, वो ये है, बड़े के साथ दोस्तों अपने इस काम को कर रहे हैं, नियमित रूप से इंटीग्रेट हमारा कार्यक्रम है पूरे राजस्थान के बच्चों के साथ, ईमानदारी के साथ आपका मूल्यांकन करना है करवाना है। आपकी ज्योग्राफी में जो तैयारी है विगत लंबे समय से, आप छात्र जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसको एक तरह से दोस्तों राजस्थान के बच्चों के साथ जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं उन बच्चों के साथ मूल्यांकन करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और हमारा प्रयास ये है कि जो आरपीसी का जो न्यूनतम पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हमने प्रश्न संरचित किए हैं, उन प्रश्नों को हल करने में भी आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा और आपका एक तरह से प्रॉपर आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि मेरी स्थिति क्या है। एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक आत्मविश्वास आप में आएगा जब आप इन प्रश्नों के जवाब देंगे। हमारी जो प्लानिंग है, देखिए सबसे पहले हम जो मॉर्फोलॉजी का यूनिट वाइज टेस्ट जो कि हम यहाँ कंडक्ट करने जा रहे हैं 31 जुलाई को रविवार को, वैसे मैं इतना बता दूं हमारे लगभग जो टेस्ट है रविवार और गुरुवार को है, प्रत्येक रविवार को होंगे और प्रत्येक गुरुवार को होंगे, ये पूरा मैंने टाइम शेड्यूल बना रखा है। जो मॉर्फोलॉजी के जो प्रश्न होंगे यहाँ यूनिट में 100 क्वेश्चन जो मॉर्फोलॉजी के होंगे और 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होंगे, थॉट में वही 100 क्वेश्चन थॉट के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके इसके साइकोलॉजी के होंगे, इंडिया ज्योग्राफी में वही स्थिति रहेगी। ये इस तरह से दोस्तों हमारा ये पैटर्न चलेगा यूनिट वाइज, लगभग 120 क्वेश्चन होंगे। अब जो 120 क्वेश्चन है उसमें 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं, 20 क्वेश्चन कितने किसके हैं साइकोलॉजी के हैं, ये निर्धारित डेट मैंने इसमें डाल रखी है, इसको आप थोड़ा सा देख ले में कि 31 जुलाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 31 जुलाई से पहले आप सब बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ये व्यवस्था ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसमें ये कंफर्म हमें करेंगे कि हम ऑनलाइन रहना चाहते हैं या ऑफलाइन रहना चाहते हैं। विशेष तौर से मैं अपील करूंगा जो ऑफलाइन बच्चे जो आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन जल्दी करवा लें, क्योंकि ऑफलाइन हमारी सीट लिमिट है, लिमिटेड सीट है, उसके बाद हम ऑफलाइन में एडमिशन नहीं देंगे। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि हमारी जो फीस है वो दोस्तों आप
डायरेक्ट फोन पे भी जमा करा सकते हो या हमारी एप्लीकेशन पर भी ऑनलाइन भी जमा करा सकते हो या हमारी संस्था में आकर के भी आप इसको जमा करवा सकते हो। तो इसमें ऑफलाइन विशेष तौर से जो छात्र जो पार्टिसिपेट करने चाह रहे हैं वो 31 जुलाई का मतलब है कि 30 जुलाई से पहले पहले अपनी सीट निश्चित कर लें, अन्यथा बाद में एडमिशन नहीं होगा। ऑनलाइन तो हो जाएगा लेकिन ऑफलाइन संभव नहीं होगा। ये हमारे कार्यक्रम है, 31 जुलाई को हमारी जो मॉर्फोलॉजी रहेगी और नेक्स्ट डे गुरुवार को थॉट है 4 अगस्त को यानी गुरुवार को, फिर इंडिया ज्योग्राफी है 7 अगस्त रविवार को, फिर राजस्थान का भूगोल 14 अगस्त रविवार को है, ह्यूमन ज्योग्राफी 18 अगस्त गुरुवार को है, कार्टोग्राफी एंड स्टैटिक्स दोनों कमाइंड रूप से रहेंगे 21 अगस्त को रहेगा, और ओशनोग्राफी 25 अगस्त गुरुवार को रहेगा। ये देखिए ये अभी जो अपन बात कर रहे थे, देखिए ये 8 टेस्ट यहाँ होंगे, 9वां जो टेस्ट है ये यूनिट वाइज ही है। इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी ओनली पीजी लेवल, अर्बन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये जो अपन यहाँ बात कर रहे हैं ये पीजी लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो पीजी लेवल के तीन तीन या दो दो टॉपिक जो दिए हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन, ये पीजी लेवल पर है। इस तरह से जो नो टेस्ट आ गए, नो टेस्ट हमारे यूनिट वाइज होंगे। यहाँ पर पूरी बात आ चुकी है, आप समझ भी चुके हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी पीजी लेवल पर है, नगरीय भूगोल पीजी लेवल पर, एग्रीकल्चर जो पीजी लेवल, केवल पीजी लेवल के जो दो दो तीन तीन जो टॉपिक डाले हुए हैं उनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन वही होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखें, ह्यूमन ज्योग्राफी तक 120 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ साइकोलॉजी, देखिए साइकोलॉजी की 6 यूनिट आपके साइको यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर आगे यहाँ साइको के प्रश्न नहीं रहेंगे, साइको केवल यही रहेगा। फिर हम 3 जो टेस्ट लेंगे उस संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब यह है कि 120 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के होंगे और 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होंगे। 120 प्लस 30 यानी 150 क्वेश्चन पर, जो कि आरपीएससी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, हालांकि ये भी पूरा आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, निर्धारित समय होगा वही 3 घंटा जो आरपीएससी देते हैं वो 3 घंटे अपना आपको देंगे ओमार सीट पर। हाँ, ये विशेष ध्यान दें, ऑफलाइन वाले बच्चों की जो व्यवस्था रहेगी ये ओमार सीट पर रहेगी, और आपका मूल्यांकन जो ओमार सीट का कंप्यूटर से करने के बाद लघु संदेश के माध्यम से मोबाइल पर आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। ऑफलाइन वाले बच्चों को व्यवस्थाएं ओमार सीट पर है, ये पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, और उसके बाद जैसे आप टेस्ट देंगे उसके बाद तुरंत बाद हाथों हाथ उसको एक्सप्लेन करेंगे, और ऑनलाइन बच्चे वहां से हम जो क्लास से ही लाइव टेलीकास्ट करेंगे, क्लास से लाइव टेलीकास्ट करेंगे, ताकि ऑनलाइन बच्चों के जो अपन डिस्कशन चलता रहेगा, ऑफलाइन बच्चों के साथ जो डिस्कशन चलेगा वो डिस्कशन बच्चे लाइव वाले भी ऑनलाइन जो दूर दराज देहात में जो बैठे हुए बच्चे हैं जो जयपुर नहीं आ सकते उन लोगों को भी डायरेक्ट फायदा मिल जाएगा। तो देखिए ये जो 3 टेस्ट हैं जो हम लास्ट में लेंगे, 4 सितंबर को पहला टेस्ट रह जाएगा और नेक्स्ट टेस्ट रहेगा 11 सितंबर रविवार को। ये जो बड़े जो टेस्ट हैं वो सभी दोस्तों संडे को है, 4 सितंबर को संपूर्ण पाठ्यक्रम पर रविवार को होगा, फिर उसके बाद 11 सितंबर को होगा, उसके बाद ये 18 सितंबर को होगा, 4, 11 और 18 सितंबर। इसका मतलब ये दोस्तों, हम आपको आपकी अक्टूबर में एग्जाम है, हम लगभग आपको प्रयास है कि लगभग आपको 20 से 25 दिन पहले फ्री कर देंगे, और मेरा मानना है कि एग्जाम के कम से कम 20 या 25 दिन पहले आपको फ्री भी हो जाना चाहिए, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम हो, आपको अंतिम 20 या 25 या मेरा तो मानना है कि 1 महीने पहले केवल आप भूमिगत रह के तैयारी करें, जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करें। अंतिम चरणों में जाकर के आप कोचिंग के चक्कर में या कहीं टेस्ट सीरीज के चक्कर में संपूर्ण पाठ्यक्रम के चक्कर में भागदौड़ नहीं करनी है। लास्ट के चरणों में तो मेरा मानना है कि जो पढ़ चुके हैं आपने साल भर से जो तैयारी कर रहे हो उसको रिवीजन करना है। तो रिवीजन की दृष्टिकोण से देखते हुए, रिवीजन को देखते हुए दोस्तों हमने एक निर्धारित समय को प्लान किया है कि 18 सितंबर तक हम आपको कंप्लीट फ्री कर देंगे। 18 सितंबर को जैसे ही फ्री होंगे फिर बाद में आपको लगभग आपको 20 से 25 दिन का समय मिलेगा, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है आरपीसी के द्वारा अक्टूबर में दी हुई है। इसका मतलब यह है कि हम एक निर्धारित प्लान के द्वारा, एक निर्धारित प्लान के अनुसार इंटीग्रेट हमारे कार्यक्रम है, कोई बच्चा यदि इस अनुसार चलता है तो निश्चित रूप से उसके दोस्तों
उसने जो साल भर से या दो तीन साल से कई बच्चे लंबे समय से भी जो पढ़ रहे हैं उनको फायदा मिलेगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा मार्क्स आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना रहेगी। नेक्स्ट इसमें देखिए हमारा जो एड्रेस है, कोचिंग का जो एड्रेस है, हमारा हमेशा जो टाइम रहेगा ऑफलाइन, ऑफलाइन जो टाइम है वो दोस्तों इवनिंग में रहेगा, 4 बजे से रहेगा। पेपर जो हम क्या कि पहले आप ऑफलाइन टेस्ट देंगे, ओमार शीट पर देंगे, जैसे बच्चे करेंगे हाथों हाथ क्लास में ही उसका पेपर एनालिसिस होगा। जब पेपर एनालिसिस होगा उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाएगा ताकि ऑनलाइन बच्चे सुन लेंगे। एड्रेस दोस्तों हमारा गोपालपुरा बाईपास रोड नियर नारायण निवास बिल्डिंग वाली, अपेक्स वाली जो बिल्डिंग है उसमें है, जयपुर, ग्राउंड फ्लोर पर है। और वैसे आप एड्रेस को सर्च भी कर सकते हो द विजन ज्योग्राफी के नाम से आप सर्च कर सकते हो। अपेक्स कोचिंग जो क्लासेज है उसी बिल्डिंग में दोस्तों हमारे पर्सनल बैच चलते हैं, वहीं हमारे पर्सनल बैच चलते हैं, वहीं हमारी जो ये टेस्ट है, जो टेस्ट श्रृंखला है, मेगा टेस्ट सीरीज में इसको कहूँगा, वो भी वहीं ऑफलाइन रूप में होगी, ऑनलाइन तो चलेगी चलेगी। बाकी देखिए रजिस्ट्रेशन आप इस मोबाइल नंबर पर भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पेमेंट आपको पहले देना होगा, इसमें 31 तारीख से पहले पहले ऑफलाइन के लिए विशेष तौर से ये करना होगा। डेमो हमारे जो टेस्ट है या डेमो या ट्रायल देखने के लिए दोस्तों आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो और हमारी एप्लीकेशन पर भी फ्री व्यवस्था दे रखी है, लगभग 10 या 12 टेस्ट फ्री दे रखे हैं। हम कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसा हमारा प्लान रहता है, वो सब कुछ दोस्तों हमारी एप्लीकेशन के ऊपर है, एप्लीकेशन के अलावा यूट्यूब पर भी है। और आप रजिस्ट्रेशन मोबाइल या व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों इस नंबर पर करवा सकते हो। तो देखिए दोस्तों हमारा एक ज्योग्राफी विषय को लेकर के एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, संपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में, संपूर्ण जो भावी व्याख्याता जो ज्योग्राफी के जो अपना सपना लंबे समय से लेके आए हुए हैं उनके संदर्भ में उन बच्चों को एक तरह से देखिए एक हमने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। इस प्लेटफॉर्म ये आपके लिए, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो छात्र है, आप जो सभी छात्र है इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना स्वयं का मूल्यांकन करें। कोर्स ऑनलाइन लेना, जो कोर्स है वो ऑनलाइन ही लेना होगा, एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना होगा। अगर ऑनलाइन परचेज करना नहीं आता है तो फिर आप संबंधित ये जो नंबर है इस पर फ़ोन करके भी आप डायरेक्ट फ़ोन पे भी कर सकते हो, या फिर जो ऑफलाइन बच्चे आना चाहते हैं वो कोचिंग में आकर के ऑफलाइन भी जमा करा सकते हो। पेमेंट हर तरह से आपका जमा होगा, लेकिन ऑफलाइन वालों को विशेष तौर से बता देता हूँ कि आपको इसमें 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड है, बाद में हम ऑफलाइन में एडमिशन नहीं देंगे। और जितने भी जो बच्चे जो ऑफलाइन जो आना चाहते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे अपना आधार कार्ड, अपने आईडी, आधार कार्ड लेंगे हम, आईडी जरूर हमें व्हाट्सएप करें, जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो व्हाट्सअप कर दें, या जब 31 जुलाई को जब कोचिंग आएंगे तब आप बाई हैंड भी हमें जमा करा सकते हो। बिना आईडी के हम एडमिशन नहीं देंगे, और आईडी पर आपका एक वर्तमान जो फोटो है वो जरूर चस्पा करके लावे, एक फोटो और आईडी अनिवार्य रूप से होगी, इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि उसी दिन हम आपका जो टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आई कार्ड भी बनाएंगे, आई कार्ड इसके बिना संभव नहीं होगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।